देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से है। कृषि विकास योजना के अंतर्गत आयोजित हुई इस प्रदर्शनी में जहां प्रगतिशील किसानों ने अपने विशेष उत्पादों का स्टॉल लगाया और उसके बारे में जानकारी दी। आम कृषकों को अपनी छोटी खेती योग्य भूमि में इससे कितना लाभ मिल सकता है इसकी जानकारी दी। जिला अधिकारी राजेश कुमार और मुख्य विकास अधिकारी आनंद शुक्ला ने प्रत्येक स्टॉल पर पहुंचकर किसानों से उनके उत्पाद के बारे में जानकारी ली। वहीं दूसरी तरफ सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया जहां पर कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को बेहतर तकनीक और जानकारी का उपयोग कर रूटीन से हटकर लाभदायक खेती के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। सरकार की योजनाओं के बारे में बताया और सरकारी व निजी स्तर पर काम कर रहे प्रगतिशील किसानों की उपलब्धियों को भी विस्तार से बताया। किसानों के लिए बीमा कितना जरूरी है, बीमा अनिवार्य है या स्वैच्छिक है, इसके बारे में भी जानकारी दी। आय को दुगना करने के लिए बताया गया। कोरोना काल और फिर भारी वर्षा के चलते किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसके बाद भी कई किसानों ने अन्य उत्पादों को पैदा कर लाभ कमाने के अनेक तरीके अपनाए। विकास योजना के तहत आधुनिक वैज्ञानिक विधि में से आधुनिक फसलें, मतलब जो हमारी सब्जियां और फल फूल होते हैं, उनका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं और कैसे हम अधिक से अधिक जो उससे अच्छी उपज ले सकते हैं और हमारे काश जो हमारे कृषक हैं उनकी आय बढ़ा सकते हैं, इसको लेके विभिन्न तकनीकों को यहाँ पे उसके बारे में चर्चा की गई है। और साथ में जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने कुछ अच्छा किया, कुछ अलग हटके किया है और वो एक आदर्श बन सकते हैं सभी के लिए, उनको भी यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। उनके विचार भी जाने गए हैं और उनके स्टॉल्स और प्रदर्शनी के माध्यम से सभी और जो काश्तकार हैं उनको एक प्रेरणा मिले और एक मोटिवेशन मिले और एक उनको एक जरिया मिले जानने का कि हम भी ये आगे बढ़ के कर सकते हैं। वो इसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। तो एक इस समय समय पे हम लोग प्रशासन विभाग द्वारा ये सब चीज़ें की जाती हैं, इसलिए कि नई नई टेक्निक जो हमारी आ रही है उनसे हम कृषक भाइयों को अवगत करा सकें, उनसे जोड़ सकें, जिससे कि वो अपनी खेती में बढ़ावा ला सकें। आज ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत इस गोष्ठी का आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी लगाई गई है जो आप लोग देख रहे हैं। इसमें इसका जो संयोजक हैं ये उद्यान अधिकारी हैं, जिला उद्यान अधिकारी। तो इसमें जो विभिन्न क्षेत्रों में खासकर जो सरकारी और प्राइवेट सेक्टर के लोग जो उद्यान विभाग के अंतर्गत विशेष काम कर रहे हैं, उल्लेखनीय काम कर रहे हैं, उनको बुलाया गया है। उनके द्वारा जो भी उत्पाद हैं उनको प्रदर्शन के लिए रखा गया है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो किसान और उद्यमी आए हुए हैं उस प्रदर्शनी को देख रहे हैं और उससे एक नई तकनीकों के बारे में जानकारी कर रहे हैं, प्रोत्साहित भी हो रहे हैं। साथ ही साथ गोष्ठी का भी आयोजन किया गया है जिसमें सम्मानित किसानों को बुलाया गया है और उनको हमारे जो विशेषज्ञ आए हैं उनको विभिन्न नई तकनीकों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो विशेष रूप से किसानों की जागरूकता का कार्यक्रम है और साथ ही साथ जो जैसा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है किसानों की आय को दोगुना किया जाए, तो उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए योजना है। गाँव बनकट, ब्लॉक तहबरपुर, तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़। मैं जयपुर में एक निजी कंपनी हरित पॉलिटेक प्राइवेट लिमिटेड में जनरल मैनेजर था। सहसा एक परिवार में दुर्घटना घटी और विचार आया कि हम गांव पर चल के कुछ काम करें। फिर मैंने सोचना शुरू किया क्या किया जाए। तो मैंने वहां से पॉलीहाउस के बारे में कभी कुछ पढ़ा था, कुछ पुणे में जब मैं जाता था तो पुणे में मैंने कुछ पॉलीहाउसेस देखे थे, तो वही पॉलीहाउस का जो है विचार मेरे दिमाग में था और उस पॉलीहाउस को मैंने आके मेरे गांव बनकट में एक एकड़ का पॉलीहाउस लगाया जिसकी लागत करीबन 50 लाख रुपए उस समय आई थी। और पॉलीहाउस में हम रंगीन शिमला मिर्च, लाल, पीली, हरी तीनों रंग की शिमला मिर्च करते थे, लेकिन इस कोरोना का पहले कोरोना काल और उसके बीच में जबरदस्त ओलावृष्टि की वजह से मेरा पॉलीहाउस फट गया। पॉलीहाउस की स्टोरी यह है कि मैंने रंगीन शिमला मिर्च से एक एकड़ में 20 लाख रुपए सालाना का कारोबार तक पहुंचा दिया था, लेकिन ओलावृष्टि में फटने की वजह से हमारा दिमाग गड़बड़ाया कि अब हम क्या करें। और कोरोना की वजह से व्यापार कम था, बहुत घाटा हो चुका था, तो हमने कुछ ऐसी फसलों का चयन किया जो आप यहां देख रहे हैं। सेम है, बीन्स है, बैगन है,
इनकी ओर जो है जो पारंपरिक सब्जियां थी इनको उगाना शुरू किया। तो इस साल अभी आप देखें कि ये जो है बीन्स लगी हुई है मेरे खेत में, ये प्रोटीन रिच डाइट है, बहुत बेहतरीन होती हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं। आपने बोड़ो खाया होगा, परबटी खाया होगा, लेकिन बीन्स बहुत ही बेहतरीन सब्जी है। नॉर्मल धान और गेहूं की खेती से कितना अधिक मुनाफा हो रहा है इसमें? कम से कम 5 गुना। मैंने आपको भी बताया 1 एकड़ खेती में हमने 20 लाख का कारोबार किया है और इस साल का टारगेट है कुछ नहीं तो कम से कम हम 5 लाख रुपए तक का कारोबार करेंगे। 1 एकड़ में गेहूं धान से हमें ये कभी नहीं मिल सकता।